हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं 15 to 30 सितंबर तक आपकी राशि फल। क्या कहती है आपकी राशियां, देखते हैं आज के इस रीडिंग में। गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट हो। तो जितने मैसेजेस आपको ठीक लगते हैं आप उन्हें लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का 15 तारीख से 30 तारीख तक कैसा जाएगा? मेष राशि, वाओ, मेष राशि कोई अच्छा लव ऑफर आ सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि स्ट्रांगली मुझे दिखा रही है कि आप फील करेंगे कि शायद लॉकडाउन के बाद, बहुत टाइम बाद आप बाहर निकले हैं, तो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं और कोई नया लव आपको मिल सकता है, नए फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, नई कुछ भी कंपनी आप एंजॉय कर सकते हैं अपने अपनी लाइफ में। और अगर काम के अकॉर्डिंग में देखूँ तो कोई न्यू जॉब आपको ऑफर हो सकती है, और जिसमें कि आप स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि आप अच्छे से खूब एंजॉय भी करें और आपको वो जॉब पसंद भी आए, तो उस जॉब को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक एंजल मैसेज भी मैं लूंगी मेष राशि के लिए। सॉरी, मेष राशि के लिए एंजल मैसेज। एसेंडेड मास्टर्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने जिस पे भगवान पे आप श्रद्धा रखते हैं उनकी पूजा करें, सेवा करें, उन पर विश्वास रखें। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो आप उनको अपने विश बताएं तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ये था मेष राशि पर। नेक्स्ट हम लेंगे वृषभ राशि। सारी राशियों के टाइम स्टाम्प्स गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी राशि देख सकते हैं। टॉरस वृषभ राशि 15 to 30 सितंबर कैसा जाने वाला है? ओके, वाओ, वेरी नाइस। दो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जस्टिस और जस्टिस के साथ है किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत ही पैशनेट एनर्जी है किसी का। अगर कोर्ट केस के फैसले का आप इंतजार कर रहे थे तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में होने वाला है। और कोई जस्टिस, कोई ऐसा फील हो रहा है कि कुछ जिसका भी आप वेट कर रहे थे, कोई अगर किसी से झगड़ा होता है या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो सारे सॉल्यूशंस आपको इस वीक 15 to 30 के बीच में मिलने वाले हैं और वो आप ही के फेवर में रहने वाला है, क्योंकि आप उसको क्रिएट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा कहूँगी कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही की जीत हो, और अगर किसी काम को लेकर चल रही है मन में उलझन तो उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, तो लव लाइफ में भी बहुत पेशेंट के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं 15 to 30 सितंबर। देखते हैं वृषभ राशि क्या कहती है एंजल आपके लिए। वृषभ राशि, ओके, फिर से ये कार्ड है। वृषभ राशि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने कहा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जीत को, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है कि उसको कंटिन्यू करें, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करते रहें, उसको विजुलाइज करते रहें, आपको वो चीज़ें आसानी से मिलती जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि 15 to 30 सितंबर, मिथुन राशि 15 to 30 सितंबर, ओके, द स्टार कार्ड यहाँ पर है मिथुन राशि। ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड द स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जो चीज़ बहुत टाइम से आपको नहीं मिल रही थी, बहुत धीरे धीरे आपको मिल रही थी, अभी 15 to 30 सितंबर के बीच में डेफिनेटली वो आपको मिलने वाली है। अगर कोई सक्सेस का आप वेट कर रहे थे तो आपको मिलने वाली है, फेम, नेम, सक्सेस, सब कुछ जो बहुत स्लो चल रहा था अभी तक लाइफ में, उसमें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जिसमें आप बहुत सक्सेस फुल होने वाले हैं। और कोई नया प्यार भी आपके लाइफ में आ सकता है,
जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो एक फ्लो से चलने लगेगी, आपको फील होने लगेगा कि यस अब मुझे लाइफ में सब चीज़ें इजीली मिलने लगी है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ, अपनी हैप्पीनेस को आप पा लेंगे। उसी बीच आपकी खुद की हीलिंग भी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जो इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा था लाइफ में, या फिर आप थोड़ा परेशान थे, तो वो हीलिंग आपकी होती हुई यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप हीलिंग, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होने लगेगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। जो चीज़ें आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलने लगेगी। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है और बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिख रहा है कि 15 to 30 September न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। जेमिनाइन मिथुन राशि के लिए एंजल का मैसेज। आर्कएंजल रेफियल, वाओ गाइस, तीनों कार्ड हीलिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने आप को हील करिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग में नहीं समझते हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर दर्शन कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 5 मिनट भी आप बैठ कर मेडिटेट करें, और मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोज़ मेरे लिंक पर भी है, मेरे उस चैनल पर भी है, तो आप उसके साथ भी मेडिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब सी लग रही है, ठीक है, फिर से देखते हैं। कर्क राशि 15 to 30 September कर्क राशि, फैमिली प्लानिंग्स चल रही है, कुछ फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड हो सकता है। यस, कुछ 2 पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक काम आप कर रहे हैं, एक का और इंतज़ार कर रहे हैं, और वो काम आप अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते हैं इस 15 से 30 तारीख के बीच में। और दूसरी बात, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर घर में अगर सब अलग अलग रहते हैं तो वो एक साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है। और फाइनेंशियल हेल्प आपको अपनी फैमिली से मिल सकती है अगर आप चाहें तो। इस बीच में एंजॉय करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ, और जो भी जिस पे भी आपकी नज़र थी कि ये काम मेरा हो जाए, वो काम में एक और ऑप्शन आपको इजीली मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखते हैं एंजल क्या कहती है, एंजल कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। क्राउन चक्र, यस, मैंने जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आइडियाज़, जो भी जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं, जो भी आइडियाज़ आपके मन में थे, उनकी वो पूरे होने की संभावनाएं आपको इस बीच में नज़र डेफिनेटली आएगी। एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है। नेक्स्ट हम लेते हैं लियो सिंह राशि। सिंह राशि 15 से 30 September तक आपका टाइम कैसा जाने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि, ओ वाओ, सिंह राशि, मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 तक आपका टाइम बहुत अच्छा नहीं था, और बहुत कुछ आपने खोया शायद इस बीच। हो सकता है कि आप मन से भी बहुत दुखी हैं, काम में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, और ये कहूँ कि ऐसा आपको लग सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया। ओवरऑल मतलब एनर्जी जो थी वो बहुत डाउन थी। तो 15 September के बाद में आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, प्यार, सक्सेस, जॉब, कुछ भी, जो भी, आपके ग्रह जो है वो परिवर्तित होकर और अच्छे रिजल्ट देने के लिए रेडी होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड से दोनों, तो एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपकी लाइफ में। देखते हैं सिंह राशि के लिए एंजल का मैसेज। गॉड बॉक्स, वाओ, सिंह राशि, आप जो भी चाहते हैं, जिस तरह से भी पॉजिटिव चेंजेस आप चाहते हैं, एक स्लिप बना लीजिए, एक नहीं, आप 5 स्लिप एक साथ बना सकते हैं और अपनी विश लिख सकते हैं, और वो 5 विश को आप एक बॉक्स में रख सकते हैं, उस बॉक्स को अपने मंदिर में रख सकते हैं, और अपनी 5 विश को भगवान को रोज बताइए कि मुझे ये विश कम्प्लीट करनी हो जाए मेरी, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए तो डेफिनेटली आपकी विशेष पूरी होने लगेगी। ये थी सिंह राशि की रीडिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्या राशि। कन्या राशि 15 to 30 September
कन्या राशि 15 to 30 September कन्या राशि ओके। हाँ कन्या राशि, कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है आपको। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे 33 दिख रहा है, तो 33 एक एंजल नंबर भी है, मास्टर नंबर है, जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है कि कुछ न्यू पॉजिटिव आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। कुछ एक चीज़ ऐसी है जो डेफिनेटली आपको कुछ सिखा कर जाएगी, या कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा 15 to 30 September के बीच में कि आपको हमेशा याद रहेगा। एक्सपीरियंस्ड हो सकता, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर जाए, समझा जाए कि लाइफ कैसी होती है। जॉब में अगर मैं देखूं, अगर आप नई जॉब का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नई जॉब मिल सकती है इस 15 दिन के बीच में। और कुछ नए घर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कोई नया घर भी आप ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। और 3 नंबर यहाँ पर मुझे कुछ क्रिएटिव वर्क भी दिख रहा है, तो अगर कुछ मन में चल रहा है, कुछ नया आप सोच रहे हैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो वो भी आप इस बीच में कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ भी नया करने से पहले, कोई भी नया कदम उठाने से पहले, प्लीज़ अपना किसी से गाइडेंस जरूर लें, किसी को बताएं, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात करें और फिर उस काम की शुरुआत करें। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। एंजल मैसेजेस फॉर कन्या राशि, कैंसिल क्लियर डिलीट। एंजल आपको मैसेज दे रही है कि जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं सक्सेसफुल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये प्यार मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लीज़ ये सब थॉट्स को हटा दीजिए और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो अपने थॉट्स को कैंसिल 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 करिए 3 times ऐसा बोलकर, और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए कि ये काम मेरा हो रहा है, ये काम मेरा हो रहा है, ये काम मेरा हो रहा है। ऐसा 3 times आप बोलेंगे उस वक्त, तो वो एनर्जी वहाँ से कट होगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिब्रा राशि। तुला राशि 15 to 30 September कैसा जाने वाला है। तुला राशि, बार बार पेज ऑफ एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आ रहा है तो मैं वो ही कार्ड लूंगी गाइस। और तुला राशि, वाव, दोनों ही पेंटाकल्स कार्ड आए हैं, तो हो सकता था कि बहुत टाइम से जहां पैसे अटके हुए थे, या फिर कहीं से पेमेंट आना था जहां से पेमेंट नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो इस बीच में आ सकता है। थोड़ी कोशिश जरूर करिएगा और अगर बात करनी हो तो जरूर से बात करिएगा, आपके पैसे वापस आने का टाइम आ गया है। बहुत पेशेंस आपने रखा लेकिन ये टाइम, ये महीना आपको वो वापस लौटा के देकर जाएगा। और एस ऑफ पेंटाकल्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है घर में कुछ नया प्रोग्राम हो सकता है, किसी की शादी के रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है, और किसी के घर का इनॉग्रेशन भी हो सकता है। अगर वो बहुत टाइम से चाह रहे थे घर लेना तो घर ले सकते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि बिजनेस में कोई नया अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है और ये वीक, ये जो 15 days है वो भी बहुत ही पॉजिटिव जाने वाले हैं। तो कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं लिब्रा राशि आपके लिए एंजल के मैसेजेस क्या है। आर्क एंजल माइकल ये ही कह रही है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं और जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही, उसे बहुत ही करेज के साथ आप ले सकते हैं और उसको संभाल सकते हैं। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें और किसी की गाइडेंस लेकर या फिर पेशेंस रख कर अपनी लाइफ में और काम को ईजिली करने दें, होने दें, चलने दें। नेक्स्ट हम देखते हैं वृश्चिक राशि 15 to 30 September वृश्चिक राशि कैसा जाने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ओके
थ्री ऑफ फायर, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि अपनी जिद पूरी नहीं होने के कारण या फिर थोड़ा लेट आपके काम हो रहे हैं उसके कारण ओवरथिंकिंग आपकी बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। परेशान इट मीन्स बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है मन में और थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, जबकि आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो थोड़ा एक्शन लेने के बारे में सोचें, थोड़ा काम को बढ़ाने के बारे में सोचें, लेकिन 15 to 30 September थोड़ा संभल के काम करें, थोड़ा पेशेंस रख के काम करें, बहुत जल्दबाजी ना करें, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि आराम से काम करें, पहले सोच ले, इन 15 दिनों में पूरी एक प्रिपरेशन कर ले कि आपको ये कैसे करना है, उसके बाद में ही आप कुछ स्टार्ट करें। नया काम की कोई शुरुआत आप नहीं कर सकते अभी इन 15 दिनों में, जो भी चल रहा है उसको एक एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस ले। मेनली ये 15 दिन आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह इसको कंप्लीट करना है काम को और किस तरह आपको नया काम शुरू करना है, और उसके बाद आप अक्टूबर की रीडिंग देख सकते हैं कि उसमें आपके लिए क्या आता है। स्कॉर्पियो, थोड़ा सा मूड, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली आपसे ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना सोचें और एक्सपीरियंस लेकर काम करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको वो काम कैसे कम्प्लीट करना है और कैसे नहीं। लव लाइफ में भी मैं ऐसा ही कहूँगी कि सामने वाले के प्रस्पेक्टिव से सोचकर देखिए कि वो क्या चाहता है आपसे, तभी आप आगे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए एंजल के क्या मैसेज हैं। स्कॉर्पियो एंजलिक मैसेजेस, यस, ईयर चक्रा भी आपको ये ही कह रहा है, एंजल आपको यही मैसेज दे रही है कि थोड़ा टाइम जो आपके मूड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, हैप्पीनेस दे, वो काम करे। मीन्स म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुने, डांस करना है डांस करें, किसी से बातें करनी है बातें करें, तो खुश रहने की कोशिश करें और अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, इन्जॉय करें इन 15 दिनों में, जिससे कि ये टाइम ईजिली आपका निकल जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेजिटेरियस धनु राशि पर। धनु राशि 15 to 30 September कैसा जाने वाला है धनु राशि, ओह गुड। धनु राशि कुछ लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हैं। द फूल कार्ड यहाँ आया है जो दिखा रहा है कि कोई नई जर्नी पे उतरने की कोशिश कर रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ट्रेवलिंग करना चाह रहा है और अपने एक्सपीरियंस से कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। उसने सारा एक्सपीरियंस ले लिया है, सब सीख लिया है, तो ये 15 से 30 तारीख जो है वो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय, बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, उसके सब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जान लें, उसको समझ लें कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो कितना सही है या नहीं है। अपने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेस पर या अपनी डिग्री के बेस पर कुछ भी स्टार्ट ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। और अगर कोई गाइड करना चाहता है या फिर आप समझ सकते हैं कि मुझे इस पर्सन से गाइडेंस लेने से मुझे समझ आएगा कि ये काम कैसे करना है, तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखने की आपको इस महीने ज़रूरत है। देखते हैं सितंबर मंथ के लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं 15 to 30 September। और डिस्टर्ब एनर्जी है थोड़ी। थ्रॉट चक्रा मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जो भी सच को एक्सेप्ट करे, अगर आप समझ पा रहे हैं कि जो काम करने की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे शायद आपको पता है, या फिर मैं ये कहूँ कि मतलब कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो उन्हें सब बात बताएं और उसके बाद ही आंसर को सुनने की कोशिश करें। तो थोड़ा पेशेंस रखें, ये टाइम निकलने दें, उसके बाद आप अक्टूबर की रीडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि 15 to 30 September कैसा जाने वाला है। द सन, ओके, मकर राशि, ओके, मकर राशि मुझे 15 to 30 September तक मुझे ऐसा लग रहा है कि
सक्सेस आपकी सक्सेस आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये कहूँ कि आगे बढ़ने की भूख है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं इतनी इतनी बड़ी जंप मार के और मैं आगे ही जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अपने 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 आप को कंट्रोल करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट से काम ना करें क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा ईगो से काम ना करें। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जब हम अपने आप को मैच्योर समझने लगते हैं तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है लाइफ में, नहीं चीज़ें परफेक्ट है, ना टाइम परफेक्ट है, ना इंसान परफेक्ट है। तो थोड़ा सा अपने आप को इमैच्योर भी बनाएं, बच्चे जैसे भी जिए कि कोई बात नहीं, किसी से समझ लेना चाहिए। तो वो एनर्जी आपको थोड़ी सी आपको संभालनी है, रखनी है 15 to 30th के बीच में, और रिसीविंग एनर्जी रखनी है, मीन्स आपको रिसीव करना है प्यार से, अच्छे पॉजिटिव इमोशन से, आपको समझना है कि सामने वाला क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, और ओवरऑल ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा समझ के कॉन्फिडेंट तो है आप, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना बने और संभल के काम करें। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देती है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। एंजल के मैसेजेस, वैगन, यस वैगन कार्ड मुझे यहाँ पर हाईली ये दिखा रहा है कि थोड़ा ग्राउंडेड बने, थोड़ा सा अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा कि ईगो ना लाएं बीच में। बहुत ज़्यादा सक्सेस जब मिल जाती है तो इंसान का ईगो बढ़ जाता है, तो उस ईगो को अपने बीच में नहीं आने दें, और अपनी जो हाई एनर्जी है उसको और बूस्ट करने के लिए तरोताजा रहे, खुश रहे, और ईगो बिल्कुल ईगो नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी और हाई होगी। तो अपनी एनर्जी को हाई बनाए रखें और अच्छा खाएं, ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं 15 to 30th के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे कुंभ राशि, कुंभ राशि 15 to 30th September कैसा जाने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स कुंभ राशि 15 to 30th September। ओके, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। वाओ, एयर और अर्थ दोनों की एनर्जी है जो कुछ ना कुछ ये कहूंगी कि पॉजिटिव ही करती है, कुछ ग्रो करके देती है, कुछ ग्रोथ देती है लाइफ में, सक्सेस देती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लेरिटी आपको लानी है अपने माइंड में, आपको समझना है कि कौन सा काम सही है और कौन सा नहीं, और कुछ न्यू स्टार्टअप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है। लीगल अगर कुछ आपका चल रहा था तो उसमें भी पॉजिटिव ही रिप्लाई आपके फेवर में रहने वाला है, और अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखें, पॉजिटिव रखें, किसी से आप बात करके अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज ये थॉट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करके अपनी बात को कहने की कोशिश करें इन 15 दिन के बीच में। और अबंडेंस एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखा रही है कि कुछ ना कुछ अच्छी सक्सेस आप हासिल करने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से सिर्फ सक्सेस के साथ अगर आप मनी का भी वेट कर रहे थे तो वो भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अच्छा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे इन 15 दिन के अंदर। देखते हैं कुंभ राशि के लिए एंजल की क्या मैसेज है। कुंभ राशि 15 to 30th September इंडिगो, यस जैसा कि मैंने कहा कि आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिख रही है, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली एनर्जी बहुत हाई होगी। तो हाईली यहाँ दिख रहा है कि आप नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, और क्राउन चक्र आपका बहुत ही ओपन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हाईली सेंसिटिव भी आप हो सकते हैं इस बीच में। तो अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को प्रोटेक्शन में भी रखें, ताकि जो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप पर हावी ना हो। तो खुश रहें, एंजॉय करें, ये महीना आपको कुछ ना कुछ न्यू अच्छा देकर ही जाने वाला है। लास्ट हम देखेंगे पाइसिस मीन राशि, मीन राशि 15 to 30th September 15 to 30th September मीन राशि 15 to 30th September। ओके, मीन राशि
फायर कार्ड है और अर्थ कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अगर कोई काम की न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिख रही है, कुछ न्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा संभल के करें, स्टेप बाय स्टेप चलें और सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाएं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कहीं और शिफ्टिंग भी हो सकती है, घर शिफ्ट होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और थोड़ा सा अपने माइंड को पेशेंसली सोच समझ कर डिसीजन लेने जैसा बनाएं। और बहुत पैशनेट एनर्जी है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है और अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन 15 दिनों में। देखते हैं पाइसेस एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। फेरीज कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसा कि मैंने कहा, आप आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अच्छा नेचर एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि जो भी आपका पर्पस है वो आप फैमिली मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रही है, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें और खुश रहें। स्टेप बाय स्टेप चलें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें किसी काम को करने की। गाइस ये थी 15 टू 30th सितंबर तक की रीडिंग्स राशिफल, और इन राशिफल को हम नेक्स्ट अक्टूबर राशिफल में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।